इस वाले क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 37 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है और बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है, डरावना भी लगता है, बच्चे सोचते हैं सोल्व कैसे होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों ने 5 मिनट देके चीज को समझ लिया तो लाइफ टाइम याद रह जाएगा। आपसे कह रखा कि एक यूनिफॉर्म रोप है, रस्सी है जिसकी लेंथ एल है, तो मैं एक रस्सी बना लेता हूँ। एल लेंथ की ये रस्सी है, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है, एल है। जैसा कहता चला जाएगा वैसा करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। हमसे कह रहा है रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस, एक ऐसा सरफेस जिसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक सरफेस पर रखी हुई है फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, कुछ इस तरह से, ठीक है भाई, ये रखी हुई है। हमसे कह रहा है इसको पुल किया गया, इज पुल्ड एट वन एंड, एक एंड से इसको पुल किया गया, मतलब एक तरह से इस पर फोर्स लगी इधर को, बाय अ फोर्स एफ, और एफ फोर्स से आपने इसको पुल किया है, वो मैंने बना दिया। अभी तक जो कहा गया वो सिर्फ डायग्राम में मेंशन कर दिया गया है मेरे थ्रू। अब आगे देखो, व्हाट इज द टेंशन इन द रोप, रस्सी के अंदर टेंशन कितनी होगी। देखो आपको पता है एफ फोर्स आपने खींचा है, रस्सी के अंदर टेंशन पूछ रहा है, लेकिन कहाँ पूछ रहा, एट अ डिस्टेंस एल फ्रॉम द एंड वेयर द फोर्स इज अप्लाइड, जहां से फोर्स आप लगा रहे हो इससे एल डिस्टेंस अंदर जाओ और यहां पर बताओ यहां पर इस पर टेंशन कितनी लग रही होगी, क्या टेंशन इन द रोप बताओ। ठीक है यार, आप यहां बता दोगे तो यहां पर, अब आप बताओ जब आप फोर्स एफ लगा रहे हो तो टेंशन टी इधर को लग रहा होगा इस पॉइंट पर, और इधर से लग रहा होगा इधर को रस्सी के अंदर, ठीक है। तो ये टेंशन फोर्स लग रही है रस्सी के अंदर, तो आपको यहां पर बतानी है। तो ये जो लेंथ हुई ये हुई कैपिटल एल माइनस के स्मॉल एल, अभी कैसे हो गया भाई, टोटल एल लेंथ है उसमें से ये वाली माइनस कर दो तो बची हुई लेंथ एल माइनस एल है ना। यही पूछा है कि आप बची हुई रस्सी के अंदर टेंशन बताओ कितनी होगी। तो अच्छा क्वेश्चन है, बची हुई रस्सी के अंदर आप टेंशन बता दोगे। पहले तो आपको पता है कि अगर इस पूरी रस्सी का मास कैपिटल एम है और इस पर एफ फोर्स लगाई जा रही है तो इसके अंदर जो एक्सिलरेशन निकल कर आएगा वो आएगा कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम, ये तो आएगा क्योंकि एक्सिलरेशन इज इक्वल टू होता फोर्स अपॉन एम, क्योंकि सरफेस फ्रिक्शनलेस है तो इनके अलावा कोई फोर्स होगा नहीं, तो ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम आ जाएगा। आप लिखोगे सॉल्यूशन, और ये वाली बात हर चीज मेंशन करके दिखाओगे, आप लिखोगे एज एफ फोर्स इज अप्लाइड, लगा दी, देन जो एक्सिलरेशन होगा इस रस्सी के अंदर वो होगा ये इक्वेशन नंबर वन, मत कहो इसको इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अगर मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंशन देखता तो जितना फोर्स मैंने लगाया था उतनी ही टेंशन होती इस फेस पे, लेकिन बात इस फेस की नहीं हो रही है। अच्छा, इस फेस पे इतनी ही टेंशन होती लेकिन बात इस फेस की नहीं हो रही, बात हो रही है कि अंदर टेंशन कितनी होगी। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये वाला मास खत्म करना पड़ेगा। तो एक काम कर लो आप ये देखोगे रस्सी की लेंथ के हिसाब से मास कितना आ रहा है, तो मास पर यूनिट लेंथ देख लूंगा, पर यूनिट लेंथ में जो मास आया हो उसको देखने के बाद फिर मैं ये देखूंगा कि बचे हुए मास में कितनी लेंथ है, या फिर बची हुई लेंथ में कितना मास है। तो उसके लिए पहले मैं ये कहूंगा कि मास पर यूनिट लेंथ में मास कितना होगा। तो मास आपने रस्सी का कैपिटल एम ले रखा, टोटल लेंथ जो है वो एल है, तो ये हो गया मास पर यूनिट लेंथ। तो मतलब ये आपको पता चल चुका है कि मास पर यूनिट लेंथ कितना है। अब जितनी रस्सी में आपसे पूछ रहा है कि इतनी रस्सी में टेंशन बताओ, तो इतनी रस्सी का मास निकालने के लिए क्या करूंगा। तो पहले तो मास पर यूनिट लेंथ, मतलब पर यूनिट लेंथ में इतना सा मास है तो इतनी रस्सी में कितना मास होगा, तो इतनी रस्सी की लंबाई से मल्टीप्लाई करोगे। वही वाली बात हो गई कि यार एक पेन का मूल्य 10 रुपये है तो 10 पेनों का मूल्य कितना हो गया, इस तरह से। तो मास पर यूनिट लेंथ पता आपको कितना है, ये है पर यूनिट लेंथ में इतना मास है, तो इसका मतलब एल माइनस एल लेंथ में मास कितना होगा। तो आप कह सकते हो मास इन एल माइनस एल लेंथ, तो ये कितना होगा, ये तो मास पर यूनिट लेंथ है, जितनी भी लेंथ में आपको मास चाहिए होता उससे मल्टीप्लाई, तो ये आ चुका है एल माइनस एल लेंथ का मास, ठीक है। अब आपको इसका मास पता है, यहां से यहां तक का मास पता है कितना, बिल्कुल सही है, पता है आपको कितना मास है, वो ये है।
अब आप ये देखेंगे कि इतनी लेंथ में कौन सा फोर्स लग रहा है, तो आप कहोगे सर टेंशन फोर्स लग रही है बस अकेली। तो फोर्स आपके पास ये है, मास आपके पास है, तो क्या आप ये नहीं बता सकते कि टेंशन कितनी लग रही होगी? तो आप कहेंगे सिंस वी नो दैट टेंशन इज इक्वल टू होता मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना निकल गया है? कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल, एल माइनस एल। और एक्सेलरेशन कितना था भाई? एक्सेलरेशन थ्रू आउट द रोप सेम होगा जो शुरुआत में आपने निकाल रखा था एक्सेलरेशन, ये भाई यही तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। अगर रस्सी को आप खींचोगे तो सारी रस्सी एक साथ ही खींचती हुई आएगी, उसका ईच एंड एवरी पॉइंट एक ही वेलोसिटी के साथ, मतलब आप ये कह सकते हैं एक ही एक्सेलरेशन, वेलोसिटी नहीं मत को, एक ही एक्सेलरेशन के साथ आगे की तरफ को खींचता हुआ आएगा। अगर रस्सी बहुत बड़ी है तो ऐसा नहीं है कि आगे की रस्सी तेज तेज आए, पीछे की रस्सी हल्के हल्के आए, ऐसा कुछ नहीं है ना। अगर आप रस्सी को खींचोगे तो पूरी रस्सी एक साथ खींचती हुई आएगी, इट मीन्स पूरी रस्सी का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो एक्सेलरेशन तो आपको पता, लेकिन रस्सी के अंदर टेंशन अलग अलग हो सकती है। यहां से खींच रहा हूं तो यहां ज्यादा तनाव आएगा रस्सी के अंदर, हो सकता है एंड वाले पॉइंट पर तनाव ही ना आए, हो सकता है बीच में आधा तनाव आए, तो वो टेंशन जो है वो चेंज हो सकती है। तो उसको हम चेंज को ये तो देख रहे हैं कि वो टेंशन कितनी है। तो एक्सेलरेशन थ्रू आउट द रोप सेम होगा, वो आपको अच्छे से अब पता चल चुका है। तब आप बात करेंगे टेंशन इज इक्वल टू क्या हो गया? हाँ भाई सॉल्व कर रहे थे इसको, बताओ जल्दी से। तो टेंशन इज इक्वल टू हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन था कितना? कैपिटल एफ अपॉन कैपिटल एम। कैपिटल एम से कैपिटल एम कट गया, यहां को दिखा सकते हैं टी इज इक्वल टू एफ, इस एल को अंदर डिवाइड में लेके जाऊंगा तो ये कैपिटल एल अपॉन कैपिटल एल माइनस के स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल, एल से एल कट जाएगा एक बार, हो जाएगा वन माइनस स्मॉल एल अपन कैपिटल एल, बस ये खत्म हो। तो टेंशन निकल कर आ गई, टेंशन भी एक तरह का फोर्स होता, तो ये न्यूटन में। होप सो समझ में आ गया होगा, कोशिश की है मैंने भाई एक एक चीज़ क्लियर करने की। स्टिल डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से कमेंट कर लो, मज़ा आए तो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दो, चलो एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। थैंक यू।